आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। रोहिंग्या मुसलमानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते साल भर पहले जब रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार में जुल्म ढाया जा रहा था और हर कोई उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चुन चुन करके म्यांमार की सेना हो चाहे म्यांमार के बौद्ध भिक्षु हो, हर कोई रोहिंग्या मुसलमानों का खून चूस लेना चाहता था। जब रोहिंग्या मुसलमानों ने वहां से अपने घर बार को छोड़ करके भागना शुरू किया तो कोई बांग्लादेश गया, कोई थाईलैंड गया, कोई नागालैंड गया और पैदल सफर करके कोई बोट के जरिए गया। जिसे जैसे मौका मिला, जिसे जो मिला वो समेट करके भागने के लिए मजबूर हो गया। पर लगातार रोहिंग्या मुसलमानों पर ऊपर मुसीबत बढ़ती जा रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए, एक नई मुसीबत रोहिंग्या मुसलमानों पर आ गई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो चलिए पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस विषय ने 17वीं शताब्दी में अमेरिका के अश्वेतों को गुलाम बनाए जाने की यादें जिंदा कर दी हैं। लेकिन इस बार ये गुलाम अफ्रीकी नहीं है बल्कि ये रोहिंग्या मुस्लिम पुरुष और महिलाएं हैं जो म्यांमार की सरकार की नस्लभेदी एवं जातिवादी नीतियों का शिकार हुई है। रोहिंग्या अल्पसंख्यकों को म्यांमार में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। चरमपंथी बौद्ध हर रोज उन पर योजनाबद्ध हमले करते रहे हैं। अधिकांश रोहिंग्या मुसलमानों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों में तेजी आई है और शरणार्थी कैंपों में कठिन परिस्थितियों के कारण 1,20,000 से अधिक लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हर 10 में से एक रोहिंग्या मुसलमान को म्यांमार से फरार होना पड़ा है। आमतौर पर हर एक व्यक्ति को 200 से 300 डॉलर के बदले पहले थाईलैंड और फिर मलेशिया स्थानांतरित कर दिया जाता है। थाईलैंड पहुंचने पर तस्कर उन्हें जंगल में स्थित कैंप में ले जाते हैं। भारतीय अखबार द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चरमपंथी बौद्धों के अत्याचार के कारण ये लोग अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में शहपरीर द्वीप शहर की ओर भागते हैं ताकि वहां से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर पलायन कर सके। वहीं ये इंसानों की तस्करी करने वाले माफियाओं के हत्थे चढ़ जाते हैं। पिछले कई वर्षों के दौरान अपना घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए फरार करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के कारण ये शहर तस्करी के एक छोटे शहर से तस्करी के एक बड़े केंद्र में बदल चुका है। इस शहर की ओर विश्व समुदाय का ध्यान उस घटना के बाद गया जब रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी एक नाव समुद्र में पलट गई और समुद्र में डूबने वाले शरणार्थियों के शव पानी पर तैरने लगे। बांग्लादेश के अधिकारियों के मुताबिक करीब 32,000 रोहिंग्या शरणार्थियों म्यांमार की सीमा पर दक्षिण बांग्लादेश में स्थित कैंपों में रह रहे हैं। द अखबार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि शाहपरीर द्वीप शहर में पहले तस्करों की नजर उन लोगों पर रहती थी जो बेहतर जीवन और बेहतर काम के लिए मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जाना चाहते थे, लेकिन अब यह तस्करी एक व्यापक रूप ले चुकी है। तस्कर गैर स्टैंडर्ड नाव में शरणार्थियों को बुरी तरह से ठूस लेते हैं। यह तस्कर उन शरणार्थियों को जिनके परिवार का कोई सदस्य मलेशिया या किसी अन्य देश जा चुका होता है वहां पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का सामूहिक पलायन अब दक्षिण एशिया में एक संकट का रूप ले चुका है।
थाईलैंड में मलेशिया की सीमा पर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की सामूहिक कब्रों का पता चला है। इसके अलावा तस्कर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें खाने पीने से वंचित रखते हैं। ये लोग उन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचाने के लिए $3,000 लेते हैं और कभी कभी उन पर दबाव डालकर अधिक राशि मांगते हैं। कभी कभी भूखे और प्यासे शरणार्थियों को समुद्र में बीच मझधार में छोड़ देते हैं, जहां वह बेसहारा अपनी जान गवा देता है। इंसानों के तस्कर शरणार्थी परिवारों से अंधाधुंध पैसे की मांग करते हैं ताकि उन्हें मलेशिया, थाईलैंड या बांग्लादेश पहुंचाया जा सके। कभी ये तस्कर समुद्र में पहुंचकर अधिक पैसे की मांग करने लगते हैं। काफी पैसे न देने के कारण रोहिंग्या परिवार अपनी लड़कियों की शादी दूसरे लोगों से करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रोहिंग्या महिलाओं का शोषण किया जाता है और उन्हें थाईलैंड में महिलाओं की तस्करी करने वाले के हाथों बेचे जाने का खतरा रहता है, इसलिए वे मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। आम्बिया खातू एक रोहिंग्या लड़की है। वे कहती हैं कि इंसानों की तस्करी करने वाले पहले हमें थाईलैंड ले गए, मेरे पास काफ़ी पैसे ना होने के कारण उन्होंने मुझे बेचने का प्रयास किया। एक मलेशियाई व्यक्ति ने तस्करों को हमारा कर्ज अदा कर दिया। वे व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति था। इसके बावजूद मेरी माँ ने उससे शादी के लिए सहमति जता दी, इसलिए कि वहाँ कोई और हमारी मदद के लिए नहीं था। अगर किसी व्यक्ति की माली हालत अच्छी है और उसके पास काफ़ी धन है तो वह तस्करों के पंजे से आज़ाद कराने के लिए कई लड़कियों का चयन कर सकता है और पैसा अदा करने तक उन्हें खरीद सकता है। यह समस्त अमानवीय कृत्य मानवाधिकारों का दावा करने वाले संगठन की खामोशी के साथ हो रहे हैं। थाईलैंड के मछुआरे हर रोहिंग्या महिला के बदले $900 अदा करते हैं और उसे महिला के शिकार के व्यापार में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई मछुआरों ने अपना व्यवसाय छोड़कर इंसानों की तस्करी का काम शुरू कर दिया है, इसलिए कि इस काम में उन्हें लाभ मिलता है। शोध से पता चलता है कि थाईलैंड के कुछ अधिकारी शरणार्थी कैंपों की देखभाल करने वाले अधिकारियों के साथ मिलकर रोहिंग्या शरणार्थियों को तस्कर के हाथों बेच रहे हैं। शरणार्थियों की तस्करी में शामिल एक व्यक्ति ने एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कहा कि पिछले साल उसने कम से कम 100 शरणार्थियों को बेचा है और हर शरणार्थी के बदले $900 लिए हैं। रोहिंग्या शरणार्थी आसानी से तस्करों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि जो लोग उनसे वादा करते हैं कि केवल $100 लेकर उन्हें मलेशिया पहुंचा देंगे, वही लोग अक्सर शरणार्थियों को मलेशिया के बजाय थाईलैंड में खुफिया ठिकानों में छुपा देते हैं और समय आने पर उन्हें बाजार में बेच देते हैं। रोहिंग्या मुसलमान जब अपनी जान बचाकर भागते हैं और तस्करों के हाथों लग जाते हैं तो उनकी यह यात्रा महीनों तक चलती रहती है। उन्हें बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से कई लोग रास्ते में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और जो लोग जिंदा बच जाते हैं उन्हें और अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की तस्करी करके उन्हें थाईलैंड के तटों तक ले जाया जाता है। उन्हें वहाँ जंगलों के जेलों की भांति कैंपों में रखा जाता है। इन कैंपों में उन्हें यातनाएं दी जाती हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। उन्हें उस वक्त तक मारा जाता है जब तक उनके परिजन तस्करों को $2,000 नहीं दे देते हैं। यह मौत के कैंप और वे कश्तियाँ जो उन्हें लेकर जाती हैं संभवत दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे भयानक स्थानों में से एक है। एक 23 वर्षीय रोहिंग्या लड़का जो कुछ महीने पहले तक इन कैंपों में जीवन व्यतीत करता था वहाँ के हालात को बयान करते हुए कहता है कि मुझे हर दिन सुबह शाम मारा जाता था। वे मुझे मारते थे ताकि मेरे परिवार को पैसे देने पर मजबूर कर सके। वे हमें इतना मारते थे कि हम कमज़ोर हो जाएं और वहाँ से भाग न सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक इन शरणार्थियों को बड़ी संख्या में कश्तियों में ठूंसकर और रस्सियों में बांधकर ले जाया जाता है। सामान्य रूप से इन शरणार्थियों को तस्करों को भारी रकम अदा करना पड़ता है। रोहिंग्या नाम से पहचाने जाने वाले म्यांमार के इन मुसलमानों के दुख का
कोई अंत नहीं है। वह अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन उन्हें पड़ोसी देशों में भी शरण नहीं दी जा रही है, या वे थाईलैंड के हत्यारों के हाथ लग जाते हैं और इस देश के जंगलों में उनकी हत्या कर दी जाती है और उनके शवों को नष्ट कर दिया जाता है, या उन्हें नदी में या समुद्र में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि जब सरकार से जो रोहिंग्या मुसलमान बच गए, बौद्ध भिक्षुओं से जो मुसलमान रोहिंग्या बच गए, वो बांग्लादेश भागे, और अब उन कैंपों में से रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की कहानी सामने आ रही है, वो बेहद ही अफसोसनाक है। सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसे बेचा जा रहा है, उसे डॉलरों के भाव बेचा जा रहा है और जेल की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है, और इतना मारा पीटा जा रहा है, इतना उनके ऊपर अत्याचार ढाया जा रहा है, पर कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों पर अल्लाह जाने कब खैर थमेगा और कब रोहिंग्या मुसलमान खुल करके जी पाएंगे। जो लोग अपने लोगों को खो चुके हैं, उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे कि उनके ऊपर फिर जुल्म की एक कहानी लिख दी जा रही है। तो मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।